न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं और ये कितने टाइप्स की होती हैं। नमस्ते, मेरा नाम अदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। तो भाई आज हमने क्या पढ़ना है बताओ, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो पहले बताओ हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि भाई इस चैप्टर का नाम ही क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं भाई इसका ये होती क्या है और ये कितने टाइप्स की होती हैं। तो इनका नाम अपने आप सजेस्ट कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि भाई कोई न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ठीक है, यानी कोई भाई कोई न्यूट्रल या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भाई। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो अगर किसी ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट के अंदर कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किसी ऑलरेडी अटैच्ड वीकर न्यूक्लियोफाइल को वहां से डिस्प्लेस कर दे तो इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल भाई, इजंट इट। मान लिया हमारे पास भाई ये एक कंपाउंड है CH3 और भाई CL, यहाँ कौन है CH3, ये कौन है CH3। अब अगर मान लिया आप इसके अंदर OH नेगेटिव ऐड कर दो, KOH। ठीक है, तो भाई हमको पता ये CL यहाँ से टूट जाएगा तो होगा ये भी क्या CL नेगेटिव है, तो ये दिखते हैं क्या न्यूक्लियोफाइल भाई, इजंट इट। तो अगर ये स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल इस CL नेगेटिव को यहाँ से तोड़ दे खुद तो यहां पर आ जाए और ये बताओ क्या बन जाए हमारे पास CH3 क्या हो जाए हमारे पास, ये OH प्लस में क्या हो जाए CL निकल जाए। तो ऐसी रिएक्शंस को जहां पर एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल एक वीकर न्यूक्लियोफाइल को भाई डिस्प्लेस कर दे उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भाई। ठीक है, अब देखो भाई ये रिएक्शंस, इन रिएक्शंस को आप मेनली दो कैटेगरीज में बांट सकते हो, हालांकि इनको आप ना ही बांट तो भी ठीक है भाई, लेकिन आप इनको मेनली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हो। एक तो बताओ क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलिफैटिक कार्बन। क्या जैसे हमारे पास भाई, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, अरे बोलो भाई, जैसे हमारे पास ये रिएक्शन है, ठीक है, तो इसके अंदर ये हमारे पास जो कंपाउंड है बताओ, ये टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ये बताओ क्या हमारे पास एलिफैटिक एरोमेटिक है, एलिफैटिक। तो अगर किसी एलिफैटिक कंपाउंड के अंदर, जो OH नेगेटिव है ये इसको डिस्प्लेस कर देता है तो हम क्या बोलते हैं इसको, बोलो भाई, एलिफैटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। समझ गए बात। और फिर इसमें भी क्या होते हैं, मैं आपको बताऊं भाई, इसमें फिर दो टाइप होती है वैसे भाई, अगर देखा जाए तो आगे फिर इसके अंदर बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, आपने पढ़ा होगा ना कैटेगरी में SN1 SN2, वो SN1 SN2 वो भी भाई किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उसके अलावा भाई और भी होते हैं मैकेनिज्म यहाँ पर। ठीक है, आप आगे पढ़ोगे तो आप ही बताओ भाई। अच्छा, तो एलिफैटिक में क्या होता है, अब एलिफैटिक में क्या पॉसिबिलिटी है, एक तो हमारे पास क्या हो, बिल्कुल SP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्या भाई, एक तो हमारे पास क्यों SP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ओके, टेट्राहेड्रल कार्बन भाई, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो भाई कि ये बताओ किसको उठा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को। एक क्या पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कंपाउंड, तो बताओ क्या हो भाई, हमारे पास कंपाउंड तो क्या है, एलिफैटिक है, कंपाउंड तो हमारे पास क्या है, एलिफैटिक है, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन होना भाई वो बताओ किसके ऊपर होना है, बोलो भाई, वो होना है इस कार्बन के ऊपर, यानी ये बताओ क्या है, ट्राइगोनल कार्बन। क्या भाई, ट्राइगोनल कार्बन, ओके भाई, इस पर भी तो क्या सकता है, इस पे भी क्या पॉसिबिलिटी होती है न्यूक्लियोफिलिक, आपको भाई कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे तो क्या होता है, एडिशन होता है भाई, ज्यादातर क्या होता है एडिशन, लेकिन खास कंडीशंस के अंदर इस पे क्या हो सकता है भाई, सब्स्टिट्यूशन। यानी यहां पर कौन आ जाएगा, तो यहां पर कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल और एक्स यहां से टूट के अलग हो जाएगा, बताओ आपको पहले पड़ी। तो ध्यान रखियो SP3 हाइब्रिडाइज्ड का एलिफैटिक में SP3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे भी क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन, और भाई SP2 हाइब्रिडाइज्ड के ऊपर भी। ठीक है, इनमें फिर भी होता है,
इन में फिर भी हो जाएगा भाई, इनके अंदर भाई, अरे भाई जो जहां पर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा, अगर यहां पर क्या हो कार्बन कार्बन, अगर हमारे पास हमारे पास क्या हो विनाइलिक सिस्टम, क्या विनाइलिक सिस्टम, उनके अंदर ही नहीं होता, उनके अंदर भाई विनाइल्स तो ऑलमोस्ट क्या होते हैं अनरिएक्टिव, विनाइल तो भाई बहुत स्पेशल विनाइल्स, जो विनाइलिक सिस्टम है वो बहुत कम भाई क्या प्रोवाइड करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बताओ आपको पहले पड़ गई, तो ये बताओ कौन सी, ये बताओ हमारे पास कौन सी कैटेगरी होगी एलिफैटिक, कौन सी भाई टाइप्स में कौन सी होगी हमारे पास, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एलिफैटिक कार्बन, ठीक है। अब एक हमारे पास क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट एरोमेटिक कार्बन, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा, सॉरी ये पढ़ा, ये बताओ क्या हमारे पास, ये हमारे पास कोबेंजीन रिंग। अब की बारी जो लिविंग ग्रुप है वो कहां पर है, एक बेंजीन रिंग के ऊपर है, ठीक है बात। अब अगर इसे कौन यहां से डिस्प्लेस कर दे, बताओ एक न्यूक्लियोफाइल, इसको हटा दे भाई, मतलब न्यूक्लियोफाइल यहां आ जाए और हमारे पास माइनस एल नेगेटिव तो निकल जाए और हमारे पास वो क्या बन जाए, बताओ एनयू, बोलो भाई ये न्यूक्लियोफाइल भाई यहां पर अटैच हो गया, तो ये बताओ हमारे पास क्या है, इनको हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक, क्योंकि इनका जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ना वो भाई काफी अलग होता है, समझे बात, जो एलिफैटिक सिस्टम है उनके अंदर रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होते हैं बताओ भाई, अलग होएंगे, और भाई एरोमेटिक अंदर क्या होता भाई, अलग होएंगे, आपने पढ़ा भी होगा ना, अरे भाई छोटे क्लासेस में जो एरोमेटिक है वहां पर हमारे पास बताओ क्या होता है एराइल मैकेनिज्म, क्या कौन सा भाई एराइल मैकेनिज्म, नहीं होता क्या, और भाई एक हमारा बताओ बताओ कौन सा था, अरे भाई क्या एराइल मैकेनिज्म वाला हमारे पास एग्जाम्पल नहीं था क्या, और एक हमारे पास क्या इप्सो एडिशन के जरिए, इजंट इट, ठीक है, मतलब इप्सो, अरे भाई जहां से जा रहा था उसी के ऊपर तो क्या हो जाए अटैक हो जाए, ठीक है, तो मतलब इनके मैकेनिज्म क्या होते हैं, यानी अगर यही न्यूक्लियोफाइल वीकर न्यूक्लियोफाइल को किसी बेंजीन रिंग के ऊपर से हटा तो उसको हम क्या बोलते हैं एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इजंट इट, बात आपको पहले पड़ गई, अच्छा भाई ओके मेरे ख्याल से आपको बात आपको अच्छा एक बात और, अब इनमें से कॉमन कौन सी होती है, एक तो कौन सा हो गया एलिफैटिक का, कौन सा हो गया एरोमेटिक का, इनमें से मोर कॉमन कौन सा होता है एलिफैटिक का, एरोमेटिक का बहुत मतलब काफी कम होता है, ठीक है, आपको एलिफैटिक की 10 रिएक्शन मिलेंगे आपको, तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की आपको भाई थोड़ी रिएक्शन, उसकी वजह क्या होती है आपको ये पढ़ाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि जो एरोमेटिक होता है कंपाउंड यहां पर इसके ऊपर क्या होता है भाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भाई, क्या इसके ऊपर और नीचे भाई इस प्लेन के ऊपर, क्या बेंजीन रिंग के प्लेन के ऊपर नीचे होती इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती क्या, जो एक तरह से कार्बन को अच्छे से शील्ड कर लेती है किसी न्यूक्लियोफिलिक अटैक से, तो यहां पर भाई स्पेशल मैकेनिज्म होते हैं, ओके ठीक है भाई, ये हो गया आपका, तो भाई इस लेक्चर में इतना है, अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा, तो ठीक है मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।